गाइस आपके मोबाइल पे वॉल्यूम बटन तो जरूर होगा। इस वॉल्यूम बटन के अंदर एक ऐसी सीक्रेट और हिडन ट्रिक बताऊंगा जो कि आपके फोन के अंदर जरूर से करना चाहिए। जैसे कि आप सेटिंग को ओपन करेंगे, यहाँ सर्च बार पे टाइप करिए वॉल्यूम और यहाँ काफी सारे ऑप्शन मिल जाएगा, तो वॉल्यूम बटन फंक्शन के ऊपर टैप करिए। फिर से यहाँ पे टैप करना होगा और दो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, मीडिया वॉल्यूम और रिंगटोन वॉल्यूम। ये आपके फोन पर रिंगटोन वॉल्यूम पे सेट होगा तो आपको इसे मीडिया पे सेट करना है। इससे होगा ये, गलती से अगर आपका ये बटन दब जाए तो आपका फोन कभी भी साइलेंट या वाइब्रेशन नहीं होगा, जो कि सभी के फोन पर गलती से हो जाता है। गाइस आपके मोबाइल पर मौजूद फोन डायलर के अंदर एक ऐसी सीक्रेट और हिडन ट्रिक बताऊंगा जिसके बारे में आपको 100% नहीं पता, एंड ये सेटिंग जो है धीरे धीरे सभी के फोन पर दिया जा रहा है। जैसे कि यहाँ डायलर पैड को ओपन करेंगे, 3 डॉट के ऊपर टैप करिए, स्कैन कार्ड के ऊपर टैप करेंगे एंड आपके मोबाइल पे कैमरा ओपन हो जाएगा। इससे होगा ये, अगर किसी के नंबर को आप सेव करना चाहते हैं तो उसके कार्ड को स्कैन करेंगे, उसकी नंबर और नाम सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा, बस आपको सेव बटन दबाना है। तो है ना काफी कमाल के ट्रिक। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। गाइस हो सकता है आप अपने फोन पर आज तक काफी सारे सेटिंग को ट्राई किए होंगे फिर भी आपका मोबाइल काफी ज्यादा हैंग करता है, स्लो चलता है, लेकिन मैं इस वीडियो पे सिर्फ एक सेटिंग बताऊंगा। इसे अगर आपने कर लिया तो पहले से 4 गुना गारंटेड स्पीड बढ़ जाएगा। मेरे बातों पे विश्वास ना करें, खुद ही आप ट्राई करके देखिए, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताएं कि ये सेटिंग आपका काम किया है कि नहीं। सिंपली सेटिंग को ओपन करेंगे, एकदम नीचे आना है, सिस्टम सेटिंग के ऊपर टैप करिए एंड यहाँ एक्सेसिबिलिटी के ऊपर टैप करेंगे, थोड़ा सा स्लाइड करेंगे, एक ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव एनिमेशन, इसे आपको ऑन करना होगा। इसके बाद खुद ही आप देख सकते हैं कितना स्पीड पे ये काम कर रहा है। कोई भी सेटिंग में ओपन कर रहा हूँ इस तरीके से फटाफट ये ओपन हो जा रहा है। तो आप भी इसे ट्राई करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। गाइस क्या आपको पता है अगर आपके मोबाइल पे ज्यादा स्टोरेज खाली है तो उस खाली स्टोरेज से आप अपने मोबाइल की रैम को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपके फोन पर 6 GB या 8 GB रैम होगा तो आपके फोन पर अगर कोई खाली स्टोरेज है तो आप उसे 8 GB या 12 GB तक इंक्रीज कर सकते हैं और ये सेटिंग सभी के फोन पर मौजूद है। तो इस सेटिंग को चालू करने के लिए बस आपको सेटिंग को ओपन करना होगा, एकदम नीचे आएंगे, अबाउट ऑप्शन पे टैप करना है एंड यहाँ से रैम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड रैम एक्सपेंशन को चालू करिए। तो यहाँ से आपको जितना रैम चाहिए उसे इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद फोन को स्विच ऑफ करके ऑन करेंगे तो आपका रैम स्टोरेज इंक्रीज हो जाएगा। इस ट्रिक के लिए वीडियो को लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गाइस आपका मोबाइल हैंग करने का सबसे मेन रीजन, अगर आपने इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया तो मान लो 50% काम आपने यहीं पे कर दिया है। बस आपको सेटिंग को ओपन करना होगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे, एप्स के ऊपर टैप करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑटो लॉन्च, इसके ऊपर टैप करिए और यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन का लिस्ट आपको दिखाई दे रहा है जो की चालू किया हुआ है, ये सभी एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे 24 घंटे चालू रहते हैं, चाहे आप इसे ऑन करो या फिर ऑफ करो। और इससे आपको 3 प्रॉब्लम को फेस करना होगा, बिना वजह मोबाइल आपका ऑटोमेटिक हीट होगा, बैटरी खत्म होगा और आपका नेट बैलेंस भी खर्चा हो जाएगा बिना किसी कारण के। तो ध्यान से देखिए इस एप्लीकेशन को, इनमें से जो भी आप ज्यादा यूज नहीं करते उसे जल्दी से यहाँ से स्टॉप करिए। दोस्तों आपको डायलर पैड का गजब का ट्रिक बताता हूँ जो दोस्तों आपको 100% नहीं पता होगा, और दोस्तों आपको इसको जानने के बाद दोस्तों आप काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाओगे, काफी ज्यादा चौंक जाओगे। यहाँ पे दोस्तों आप अपने डायलर पैड में नंबर तो डायल करते होंगे, लेकिन दोस्तों अगर दोस्तों आपको यहाँ पे स्टार को प्रेस करके रखते हो तो आपको यहाँ पे कॉमा लग जाएगा, वहीं पे दोस्तों अगर आपको यहाँ पे हैज को प्रेस करके रखते हो तो आपका कॉलर लग जाता है, अगर दोस्तों आप यहाँ पे 0 को प्रेस करके रखते हो तो आपका प्लस बन जाता है। इससे पहले दोस्तों आपको इस ट्रिक के बारे में पता था नहीं, कमेंट करके जरूर से बताएं। कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दोस्तों आपको अपने मोबाइल की एक कमाल की टिप्स बताता हूँ। मान लीजिए आपने किसी को अपना मोबाइल दिया है और उसने जब वापस कर दिया, आप देखना चाहते हैं कि उसने आपके मोबाइल में क्या क्या चीज़ें की हैं और उसने क्या क्या आपके मोबाइल का देखा है, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। आप अपने मोबाइल के डीलर में जाएँ जहाँ से आप फ़ोन नंबर डायल करते हैं, यहाँ पर आप टाइप करें *#*#4636#*#*#, इतना जैसे डायल करेंगे आपके सामने एक मेनू ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखें यूजेज स्टैटिक्स, उसमें आप क्लिक करें, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने सब कुछ ओपन हो जाएगा कि उसने कितने बजे और कितने मिनट के लिए किस किस ऐप को यूज़ किया है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर सब कुछ दिखा रहा है। बहुत ही कमाल की टिप्स है, किसी को मोबाइल देने के बाद एक बार ट्राई करके जरूर देखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल को। आप अपने फोन डायलर से कॉल तो करते होंगे, लेकिन इसी फोन डायलर के अंदर एक ऐसी अमेजिंग शॉर्टकट सेटिंग छुपा हुआ है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता। अक्सर लोग यहाँ पे 2 तरीके से फोन करते हैं, या तो यहाँ पे नंबर टाइप करके या फिर कॉन्टेक्ट लिस्ट से नंबर लेके कॉल करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं सिर्फ 1 क्लिक पे आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं। सपोज मैं अपना नंबर डायल करूंगा जिसका नाम है MyJio, तो यहाँ पे MY टाइप करूंगा, देख सकते हैं मेरा नंबर आ चुका है, टैप करूंगा डायरेक्टली कॉल लग जाएगा। तो है ना काफी अमेजिंग ट्रिक। और एक काम आप कर सकते हैं जो की है
वीडियो को लाइक एंड शेयर। अगर आप कहीं पर भी पासवर्ड सेट करके बार बार भूल जाते हैं तो आपके लिए एक ऐसी कमाल की सेटिंग बताऊंगा, नेक्स्ट टाइम फॉरगॉट पासवर्ड करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। बस आपको सेटिंग को ओपन करना है, गूगल के ऊपर टैप करिए, देन ऑटो फिल पे टैप करेंगे एंड ऑटो फिल विद गूगल पे टैप करिए, पासवर्ड पे टैप करेंगे तो यहाँ पे वो सभी ऐप या साइट दिख जाएगा जिसपे पासवर्ड सेट किया होगा। सिंपली इसके ऊपर टैप करेंगे एंड यहाँ से आप अपने पासवर्ड को देख सकते हैं। गाइज, आप अपने मोबाइल कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड तो करते होंगे, बट इस कैमरे से उतना अच्छा वीडियो नहीं आ पाता है, कभी कभार फोकस आउट हो जाता है, काफी सारे सिकी देखने को मिलता होगा। तो मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने मोबाइल कैमरे से परफेक्ट वीडियो क्लिक कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए बस आपको अपने कैमरे से वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है, उसके बाद आपको एक सेटिंग करना होगा जो कि आपके फोन के अंदर ही मौजूद है। आपको सिंपली गूगल फोटोज को ओपन कर लेना है, यहाँ वीडियो सेक्शन पे टैप करिए और उस वीडियो को ओपन करिएगा। नीचे एडिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप करेंगे और यहाँ माइक के बगल पे जो फ्रेम दिख रहा है इस पर टैप करेंगे, देन वीडियो को एक्सपोर्ट करिए। उसके बाद अपने वीडियो को आप देखेंगे तो काफी अच्छा खासा एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। हे गाइस, आपको तो गूगल के बहुत सारे ट्रिक्स पता होंगे, बट क्या आपको इलगूक के बारे में पता है? गाइस, आप जैसे इलगूक सर्च करोगे फर्स्ट वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है, देन आपके सामने बहुत सारे इंटरफेस आ गए। जैसे मैंने अंडर वाटर के बारे में आपको बता दिया था पहले, तो गाइस ढेर सारे आपको ग्राफिक्स मिलेंगे, बट कमाल के ग्राफिक्स थोड़ा मैं बता दूँ। यहाँ पर 3 नंबर वाली ग्राफिक्स बहुत अच्छी है एंड यहाँ पर देख सकते हो आसानी से टूट जाती है, कितनी बेस्ट लग रही है एंड इजिली यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो जैसे आप सर्च करते हो। इसके अलावा आपको एक और मैं ग्राफिक्स बता दूँ, जैसे ये वाली है ब्लू वाली, तो ब्लू वाली पर आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, अमेजिंग इंटरफेस आएगा। आप देख सकते हो मिरर के रूप में फोल्ड भी हो जाएगा, ये रोटेट भी करता रहता है एंड इजिली आप ऊपर से सर्च भी कर सकते हो। गाइज, ऐसे ऐसे कमाल के ग्राफिक्स आपको इस लिंक से मिल सकती है। फुल चैट, आपके मोबाइल में कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप देख सकते हो, तो इसकी थीम काफी कमाल के मैंने सेट किया है। इस थीम का नाम ग्रेविटी थीम है जो आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो काफी कमाल की, इसे फिंगर से आप मूव कर सकते हो एंड काफी अवेसम दिखती है, काफी ट्रेंड में जो स्माइली मैं मूव कर रहा हूँ उस पर आप क्लिक करो तो इंस्टाग्राम डायरेक्ट ओपन होगा, क्योंकि मैंने इस पर इंस्टाग्राम सेट रखा है। आप भी अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऐप को सेट कर सकते हो। गाइज, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी फोटो पे आप क्लिक करोगे आपकी फोटो यहाँ से ओपन होगी। गाइज, काफी कमाल की ट्रेंड है। गाइज, अगर आप इस फीचर्स को अपने मोबाइल में लाना चाहते हो तो सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, वहां पे मैंने एक लिंक दी हुई है। आपको सिंपली एक ऐप इंस्टॉल करना है। आप अपने मोबाइल में भी इस प्रकार की थीम्स को सेट कर सकते हो। गाइज, देख सकते हो कितनी कूल लग रही है, कितने ऑसम लग रही है। गाइज, क्या आपको पता है आप प्ले स्टोर में विदाउट डाटा के भी गेम खेल सकते हो? गाइज, ये बिल्कुल सही है। अगर आप विदाउट डाटा के अपने प्ले स्टोर को ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है, देन आप गेम पे क्लिक करके आप इसको स्क्रॉल करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक गेम दिया गया है हॉट एयर बैलून नाम से। गाइज, ये स्पेशली प्ले स्टोर यूजर के लिए प्ले स्टोर के थ्रू प्रोवाइड कराया गया है। गाइज, ये गेम काफी कमाल की है, मुझे तो ये गेम काफी अमेजिंग लगा और काफी मजा आ रहा है। गाइज, आपको इस गेम के बारे में क्या रहा है आप कॉमेंट में जरूर बताएं। गाइस, क्या आपको पता है व्हाट्सएप के अंदर आज तक के सबसे बढ़िया अपडेट आ चुका है एंड ये अपडेट आप सभी के लिए काफी बढ़िया गुड न्यूज होने वाला है। जैसे कि पहले क्या होता था कि व्हाट्सएप के अंदर जितने भी चैटिंग हम लोग करते थे वो व्हाट्सएप कंपनी या फिर फेसबुक या मेटा कंपनी अगर चाहे तो देख सकते थे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई भी ना देख पाए तो आपको एक छोटा सा सेटिंग चालू करना होगा। सिंपली यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करिए, सेटिंग के अंदर जाइए, देन चैट पर क्लिक करिए, नीचे चैट बैकअप पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे एंड टू एंड इनक्रिप्टेड बैकअप के ऊपर क्लिक करके इसे आपको टर्न ऑन करना होगा, देन क्रिएट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके एक छोटा सा पासवर्ड सेट कर लेना है। इसके बाद जो भी बैकअप फाइल बनेगा वो आपके अलावा कोई भी चेक नहीं कर पाएगा।